प्रथम बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद आज कुरवाई में निशंक जैन के प्रथम आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर जिला अध्यक्ष एवं विधायक शशांक भार्गव का फूल मालाओं से ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सर्वप्रथम रूसिया ढाबे पर रमेश भाई पारदी के नेतृत्व में जुंगी नाका पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष नितिन जैन के नेतृत्व में स्वागत कर डीजे के साथ बाइक रैली निकालकर जिला अध्यक्ष बिना तिराहे पर पहुंचे, जहां सिरोंज रोड पर युवा नेता काशिफ खान अनु जफर शेख के नेतृत्व में बिना तिराहे पर पूर्व नगर परिषद हरुद्दीन खान के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद जैन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए अल्फा गार्डन पहुंचे, जहां पर सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के ऊपर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विदिशा कुरवाई से आशीष सहले की रिपोर्ट। बहुत ही संघर्षशील और जुझारू नेता और विदिशा के विधायक, बहुत ही लोकप्रिय विधायक जी, माननीय गृह मंत्री हैं। उनकी बोलचाल की भाषा हर समय ऐसी रही है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल नेता हैं वो, इसलिए संयम है कोतवार तो डर काहे का। लेकिन ओबीसी की ओबीसी से तुलना करना, ओबीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, मोदी का आदमी है। तो लेकिन हमारी जो ओबीसी समाज है वो सामान्य समाज है, बहुत अच्छी समाज है, उसकी तुलना ऐसे दलाल से नहीं करना चाहिए, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। बिल्कुल कोई गुट नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही गुट रहेगा और उसका गुट का नाम है कांग्रेस पार्टी और हाथ का पंजा। कोई गुट नहीं रहेगा और यदि कहीं कोई वरिष्ठों से बात है तो वो हम मिल बैठ के आपस में बैठ के निपटाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या रणनीति? निश्चित तौर पर संगठन को हम निचले पेज प्रभारी तक उतारेंगे और आगामी कुछ दिनों में ही, कुछ माहों में ही ये सब चीज़ आपको स्वयं देखने को मिलेगी, क्योंकि हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसे जिम्मेदारी मिले। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।